Hello friends, I'm Abhay Pratap Singh and I'm back with a video. दोस्तों वीडियो पे बात करने से पहले मैं आप सबका पहले धन्यवाद करना चाहूंगा for subscribing and sharing my channel. उसके बाद मैं आप सबसे माफी भी मांगना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय से मैं वीडियोस नहीं डाल सका. लेकिन आपके बहुत सारी मुझे ईमेल्स मिली जिसमें आप सबने अपने विभिन्न डाउट्स पूछे. मैं कुछ ईमेल्स का जवाब दे सका, कुछ का नहीं दे सका. जिनका मैं नहीं दे सका उसका कारण यह था कि सभी मेल्स में एक ही प्रकार का प्रश्न था. वो प्रश्न क्या थे? द क्वेश्चन वर सर हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी. देखिए जहां तक जुडिशरी की तैयारी शुरू करने की बात है उसमें तीन तरह के प्लान होते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म. कुछ लोग जुडिशरी अपना लॉ में एडमिशन लेते हैं और तभी से तैयारी शुरू करते हैं. कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं, ड्यूरिंग द लॉ उनको साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, साथ में फ्रेंड्स उन्हें बताते हैं कि सर हमें जुडिशरी की तैयारी करनी है. और कुछ लोग पास आउट होने के बाद कहते हैं कि सर अब हमें तैयारी करनी है. देखिए तैयारी आप जिस भी पैटर्न से करें लेकिन मूलतः तैयारी एक जीवन की यात्रा की तरह है. इट इज अ जर्नी ऑफ लाइफ. आपको मैं समझाना चाहूंगा. जैसे उदाहरण के तौर पर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे? दोस्तों कहीं भी घूमने जाना चाहते हैं आप सबसे पहली चीज क्या करेंगे बताइए? सबसे पहले आप एक डेस्टिनेशन चुनेंगे कि हम घूमने कहां जाएं. आप शिमला जा सकते हैं, आप कन्याकुमारी जा सकते हैं, आप थाईलैंड जा सकते हैं, आप यूएसए जा सकते हैं. लेकिन इसी तरह आपको जीवन में यह डिसाइड करना पड़ेगा कि अब आप सबसे पहले कौन सा इम्तिहान देना चाहते हैं. और जब आपने अपना मन बना ही लिया है कि वो जुडिशरी है तो अगला प्रश्न है कि घूमने तो अब जाना है पर जाना कहां है. तो जाना कहां है तो हमें अपनी एक स्टेट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है. जैसे आपने सोचा कि शिमला जाना है, उसी तरह आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी स्टेट के एग्जाम को जुडिशरी के टारगेट करना है. जिस टाइम ये टारगेट हो जाएगा यहीं से हमारी जर्नी शुरू होगी. बिकॉज फ्रॉम देयर इटसेल्फ यू विल डू द नेक्स्ट स्टेप. The moment you decide the destination, what is your second step? आपका अगला step होगा उस जगह का weather कैसा है, climate कैसा है. Because अगर आपको शिमला जाना है आपको sweater रखना पड़ेगा. December में जा रहे हैं, sweater रखना है, ठंड का और jacket रखनी है. लेकिन अगर आप राजस्थान में जाएंगे तो दोस्तों sweater व्यर्थ हो जाएगा. Similarly, जब भी किसी judiciary के paper की तैयारी करें सबसे पहले पुराने एग्जाम सिलेबस को उठाएं और अच्छे से पुराने पेपर्स को देखें और उसको बढ़िया से पढ़ के थ्रैश कर दें एंड प्रिपेयर अ लिस्ट. कि आप देखेंगे कि हर जगह की, हर पेपर की एक अलग तासीर है, एक अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं. जैसे उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, यू विल सी दैट स्टेट्स लाइक यूपी, उत्तराखंड, दे आस्क particular type of questions which are theoretical in nature, but it's theoretical. But take an example of Delhi, Haryana, Punjab, they ask practical, applied questions. So आपकी approach उसी तरह से होगी. ले लद्दाख का रास्ता कठिन भरा है लेकिन आपको उसके ही तरह से गाड़ी, आप SUV चुनते हैं. लेकिन अगर आपको दिल्ली से जयपुर हाईवे पर जाना है, बहुत बढ़िया सड़क है, गाड़ी कमजोर भी होगी चल जाएगी. So similarly you have to decide the क्वांटम एंड द प्रिपरेशन यू वांट टू डू. अब जब आपने ये डिसाइड करा कि आपको कौन सा पेपर तैयार करना है, उसके बाद आप क्यों, जब आपने डिसाइड करना था कि शिमला जाना है, शिमला आप गए, वहां पर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे वहीं जाना है, कपड़े भी रख लिए, सब हो गया, अब दिक्कत क्या आती है? अब अगली चीज है बुकिंग. बुकिंग करेंगे और ऐसा तरीका ढूंढेंगे जो फास्टेस्ट हो और सेफेस्ट हो वहां पहुंचने का. क्योंकि आप चाहेंगे कि जो डेस्टिनेशन है आप वहां पर ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत कर सकें. इसी तरह दोस्तों जब आप जुडिशरी की तैयारी करें तो आप अपने गंतव्य तक, अपनी सक्सेस तक कैसे जल्दी से जल्दी पहुंचे, वो बात भी मैं आपको यहां समझाऊंगा. तो सबसे पहले आप एक ऑब्जर्वेशन देखिए कि एक पेयर कल्चर है. आप देखेंगे कि जुडिशरी में यूपी, उत्तराखंड और बिहार लगभग एक ही तासीर के प्रश्न पूछते हैं. They ask questions of similar type. Similarly, MP and Chhattisgarh, you will find MP and Chhattisgarh are more or less the same.
वो पुराने भी भाई थे अब भी भाई हैं. हरियाणा पंजाब सिंस देयर हाई कोर्ट इज अ पेरेंट हाई कोर्ट इज सेम दे आर सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिकल. दिल्ली आल्सो फॉलोज द सेम काइंड ऑफ अ पैटर्न. अब इसीलिए आप हमेशा कोशिश करें अगर आपके पास समय लिमिटेड है तो पेयर चुनें आप कौन सी स्टेट को टारगेट करना चाहते हैं. एक टारगेट से आप दो तीन स्टेट्स को कवर कर सकते हैं. अब सवाल ये उठता है कि आप कहेंगे कि सर आप पेयर की बात कर रहे हैं, हम तो कंपिटेंट लोग हैं, हम तो सब जगह कर सकते हैं, आप तो ऐसे ही हमें बोल रहे हैं. देखिए यदि आपके पास लॉन्ग टर्म प्लान है आप सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. लेकिन शॉर्ट टर्म प्लान में यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क. उस स्मार्ट वर्क के लिए हमारी इच्छा है. तो जब हम उस स्मार्ट वर्क को करना चाहते हैं ना दोस्तों, तो हमें इस बात को समझना है कि वो स्मार्ट वर्क तभी होगा जब हम अपने गोल्स को डिसाइड करेंगे, डिफाइन करेंगे. एज इट इज बीइंग सेड द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ विनर एंड अ लूजर इज फोकस एंड यू लूज द फोकस यू आर आउट ऑफ द गेम. तो देखिए अब इसी तरह आपकी लंबी तैयारी है तो आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी, थ्योरेटिकल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी. कोई जरूरत नहीं आप हर पेपर दे सकते हैं. लेकिन जो मैंने आपको बात कही वो ऐसे ही नहीं है, वो तथ्यों पर आधारित है. इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स व्हिच आर ट्रू. लाइक यू विल सी पीपल हु से फॉर एग्जांपल टॉप इन मध्य प्रदेश मे नॉट इवन समटाइम क्वालिफाई फॉर हरियाणा. पीपल हु आर टॉपर इन उत्तर प्रदेश मे नॉट क्वालिफाई इन दिल्ली और मे गेट अ नॉट अ गुड रैंक. उसका रीजन ये नहीं है कि उनको नहीं आ रहा, बिकॉज हर पेपर की एक अपनी तासीर है हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह. अब ऐसे ही कुछ स्टेट्स होती है, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं मैं गुजरात का. गुजरात में बहुत कम कंपटीशन है दोस्तों. आई विल से आपके पास टाइम हो तो आप उस पर अपना ध्यान जरूर डालिए, अपना तवज्जो डालिए, क्योंकि वहां पर गुजराती लैंग्वेज आती है. गुजराती लैंग्वेज जो आती है वो मैंने देखा है लोग मैक्सिमम एक महीने में सीख सकते हैं, वो भी देवनागरी लिपि पर ही आधारित है, हमारी हिंदी की तरह ही. एंड ड्यू टू दिस गुजरात में आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर्स आई हैव कम अक्रॉस आर फ्रॉम आउटसाइड गुजरात, स्पेशली राजस्थान सिंस इट इज अ बॉर्डरिंग स्टेट, तो ये उसके पास काफी ज्यादा होता है. देखिए फॉर एग्जाम्पल आप दोस्तों देखिए यूपी का एग्जाम लीजिए, उत्तराखंड का एग्जाम लीजिए, वहां पर सिलेक्शन जो है वो जीएस के ऊपर आधारित है. आप जनरल स्टडीज में जितना मजबूत होंगे आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे. मगर आप अगर हरियाणा की बात करेंगे तो आपकी सिलेक्शन लैंग्वेज पेपर पे डिसाइड होगी जो करीब 300 नंबर का आता है. इसी तरह आप एमपी या छत्तीसगढ़ में जाएंगे आपकी सिलेक्शन आधारित होगी आपके आर्ट ऑफ राइटिंग जजमेंट पर, चार्ज फ्रेमिंग पर, इश्यू फ्रेमिंग पर. इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि हमारा फोकस सही समय पर क्लियर होना अति आवश्यक है. अब अगला प्रश्न दोस्तों यह है कि अब हमें इसमें क्या चीज देखनी चाहिए. अब हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब हम पुराने पेपर्स को असेस करेंगे, हमें पुराने एग्जाम्स को असेस करने के बाद अगली बात जो हमारे दिमाग में आएगी कि अब हम शुरुआत कैसे करें. आप एक चार्ट बनाइए उस स्टेट के क्या सिलेबस है और उस स्टेट में किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं. जब आपके पास ये लिस्ट तैयार होगी आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको कोई भी ताकत वहां पर सिलेक्शन से नहीं रोक सकती. द क्वेश्चन विच इज रेयर इज दैट यू नीड नॉट ओनली टू परफॉर्म बट यू नीड टू आउट परफॉर्म अदर्स. मेरी शर्ट उसकी शर्ट से वाइट कैसे. भैया ये वाइट जो करनी है उसके लिए आपको स्मार्ट वर्क का तड़का लगाना पड़ेगा. और ये मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज आई लव द वे आप सब मेहनत कर रहे हैं, मगर उस मेहनत का जब रिजल्ट नहीं मिलता वो आपको तो हताश करता ही है, लेकिन हमारे देश की एक बहुत मेजर ह्यूमन कैपिटल का भी नुकसान हो रहा है. अब उसी के साथ दोस्तों मैं ये कहूंगा कि जैसे ही आप मेरी इन अगले इन टिप्स को फॉलो करना शुरू करेंगे, मेरी गारंटी है दोस्तों कि आपकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता. मगर कंक्लूड करते हुए फिर से लास्ट में कहूंगा, सबसे पहले टारगेट दी स्टेट्स पेयर्स, देन प्रिपेयर दी लिस्ट ऑफ दी टॉपिक्स दैट आर आस्क्ड, टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड, जनरल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चन राइट डाउन, और आपका शरीर धोया निचोड़ा और हो गया. थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत धन्यवाद. उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपको मदद करेगा.
देखते रहिए हमारे चैनल को, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करिए. थैंक यू वेरी मच.